मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत अटरिया गांव में हनुमना थाना प्रभारी के नेतृत्व में 140 किलो गांजा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हनुमना थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी रजनीश पटेल एवं रामबकस पटेल अपने ब्रेजा कार में अवैध गांजा की बड़ी खेप को लेकर प्रतापगंज होते हुए सीधी की तरफ जाने वाला है। सूचना पर रीवा एसपी के द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। इस पर थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ ने प्रतापगंज रोड में गोरमा डैम के पास ब्रेजा कार को घेराबंदी कर पकड़कर विधिवत तलाशी ली गई तो कार से दो सफेद रंग के प्लास्टिक की बोरी में 30 किलो गांजा बरामद हुआ। उक्त कार के चालक से जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो 110 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है व आगे की कार्यवाही करके न्यायालय भेज दिया गया है। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम अटरिया के कल्लू उर्फ रजनीश पटेल जो है वो गांजे की खेप लेकर के और सीधी तरफ जाने वाला है। ये जो कल्लू पटेल है ये काफ़ी समय से हनुमना क्षेत्र में गांजे की तस्करी कर रहा है। इसके संबंध में कई बार हम लोगों को सूचना भी मिली थी और उसी को पकड़ने के लिए हमने उन्हें मुखबिरों को लगाया था और मुखबिर की सूचना पर कल हम लोगों ने घेराबंदी करके गोरमा डैम के पास इसकी ब्रेजा कार में इसको पकड़ा, जिसमें दो बोरियों में अपने को 30 किलो गांजा मिला था। फिर इसको अभिरक्षा में लेकर के हम लोगों ने पूछताछ किया और चूंकि पहले से पता था कि ये बड़ा तस्कर है और गांजा वगैरह रखता है तो उसके संबंध में काफ़ी हिकमत अमली से पूछताछ इससे की गई थी। इसने बताया कि ग्राम अटरिया में ही रामबख्श पटेल के घर पे इसने अपना स्टॉक बना रखा है। वहाँ पे हम लोग जा कर के दबिश दिए और उसके भुसौले घर में एक अंडरग्राउंड स्टॉक का स्टोर बना हुआ था, जिसमें से हमको एक कुंटल 10 किलो और गांजा बरामद हुआ, जिसको जब्त किया गया है। आरोपी कल्लू पटेल और रामबख्श पटेल के विरुद्ध थाना हनुमना में अपराध क्रमांक 366-22 धारा 8-20B और 25 NDPS एक्ट का मुकदमा किया गया है। आगे इनसे पूछताछ की जा रही है और आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में पेश करने के लिए न्यायालय भेजा गया है, जहां से अगर वारंट प्राप्त होगा तो उसको केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया जाएगा।